हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टच इन हिंदी। हम शुरू करने जा रहे हैं नई सीरीज ऑन एडवांस जावा। तो जो पीएचपी लार्वेल की सीरीज चल रही है वो तो आने ही वाला है, हर रोज़ एक वीडियो अब से आने वाला है, लेकिन एडवांस जावा के रोज़ के दो वीडियो आएंगे क्योंकि ये पब्लिक डिमांड सीरीज़ है, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है। तो हर रोज़ लार्वेल और पीएचपी का एक वीडियो आएगा और एडवांस जावा के दो वीडियोज़ आएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। साथ ही साथ एडवांस जावा में बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं कि ये प्रोडक्शन कंपनी में तो काम आता है, ये साथ ही साथ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट होता है और इसकी क्रेडिट ज़्यादा होती है। तो मैं एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको वीडियो में सिखाऊंगा तो सही, साथ ही साथ हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी जिसके अंदर मैंने ये नोट प्रिपेयर की गए हैं, तो आप ये नोट डाउनलोड कर सकते हो कि इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो क्या क्या लिखोगे, प्रोग्राम कैसे लिखना है, वो सब वो नोट में है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले वीडियो देखो, कंसेप्ट समझ लो कि ये है क्या, कैसे इसका प्रोग्राम लिखते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि हर एक टॉपिक 5 या 6 मिनट में आपको समझा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप नोट में से अपनी एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी देख सको। तो आज का हमारा टॉपिक है आईनेट एड्रेस क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी। तो आईनेट एड्रेस क्लास है क्या? बेसिकली जब हम जावा से कोई नेटवर्किंग रिलेटेड एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं तो एक प्री डिफाइंड पैकेज होता है जावा के अंदर जिसका नाम होता है नेट पैकेज। तो अगर ये हमें नेट पैकेज की फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है तो हमें हमारे प्रोग्राम में इम्पोर्ट करना होता है जावा डॉट नेट डॉट स्टार, स्टार मतलब उसकी क्लास का नाम। तो आईनेट एड्रेस क्लास जावा के नेट पैकेज के अंदर है। तो आईनेट एड्रेस क्लास यूज़ कब होती है? इसका यूज़ तब होता है जब आपको किसी वेबसाइट का नाम पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल google.com। अब अगर आपको देखना है कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, कि अगर आप अपने ब्राउज़र में लिखते हो www.google.com तो कौन से सर्वर से आपको गूगल का रिस्पॉन्स मिलता है, तो सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। तो आपको देखना है कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, तो वो आपको हेल्प करेगा आईनेट एड्रेस क्लास। इसकी दो सिंपल मेथड है, फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका नाम है गेट होस्ट नेम एंड गेट होस्ट एड्रेस। जो गेट होस्ट नेम है वो आपको डोमेन नेम, वेबसाइट का डोमेन नेम रिटर्न करता है, और होस्ट एड्रेस है गेट होस्ट एड्रेस मेथड, वो उसका आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। तो बहुत सिंपल सा कोड है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो नोट देने वाला हूँ उसमें मिल जाएगा, लेकिन हम इसको बना के देखते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। तो चलते हैं हम नेटबीन्स में। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है डॉट जावा की, जिसका नाम है आईनेट एग्जाम्पल, क्लास का नाम भी आईनेट एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले हमें आईनेट एड्रेस क्लास को यूज़ करना है तो उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट नेट पैकेज से। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इम्पोर्ट जावा नेट, और यहाँ अगर आप चाहे तो ऐसे आईनेट एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं क्लास, यहाँ पर मैं स्टार कर देता हूँ ताकि नेट पैकेज की सारी फंक्शनैलिटी में यूज़ कर सकूँ। साथ ही साथ आप इनपुट आउटपुट को यूज़ करते हैं इसके अंदर, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट शो करने के लिए, सो आपको आईओ का भी यूज़ करना पड़ेगा। सो मैंने ये दो पैकेज इंपोर्ट करवा दिए, जावा डॉट नेट और जावा डॉट आईओ। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि गूगल का आईपी एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट तो लेना पड़ेगा ना कि google.com है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईनेट एड्रेस की एक प्री डिफाइंड मेथड है गेट बाय नेम, और इसके अंदर हम लिंक लिखेंगे, फॉर एग्जांपल www.google.com। अब ये हमने google.com लिख तो दिया, लेकिन हमें किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, आईनेट एड्रेस आईपी नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर इसको असाइन करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांस है कि ये जो पोर्शन है गेट बाय नेम में, तो हमें क्या करना होता है, ये जो पूरा पोर्शन है उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक बनाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैच एक्सेप्शन की। मैं इसको थोड़ा
एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो ब्रैकेट्स में। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जो एक्सेप्शन है वो प्रिंट हो जाएगी। और ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे। तो वो हमने जो पहली लाइन लिखी थी आईनेट एड्रेस आईपी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने जो google.com जो लिखा www.google.com वो असाइन कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया कि आईनेट एड्रेस से उसका ऑब्जेक्ट बनता है। और आईनेट एड्रेस क्लास की गेट बाई नेम एक मैथड है, उसको आप कॉल करते हो और उसकी आर्ग्यूमेंट में आपको जो भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए उसका नाम डालते हो। अब हमें क्या करना है कि हमें प्रिंट करना है कि इसका होस्ट एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है। तो हम क्या करेंगे प्रिंट करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम लिखते हैं होस्ट एड्रेस, और इसको आप कह सकते हैं आईपी एड्रेस, जो भी आप कहना चाहें। अब हम कॉल करेंगे आईनेट एड्रेस क्लास की मेथड का। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसमें हमने www.google.com का ऑब्जेक्ट सेव किया है, वो है आईपी, ये वाला। उसकी हम अब एक मेथड कॉल करेंगे गेट होस्ट एड्रेस, और यहाँ पर सेमी कोलन। अब हम इसको रन करेंगे। मेक श्योर अगर आपको इसको रन करना है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन लाइव होना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन है तो ही ये रन करेगा। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में आ रहा है होस्ट एड्रेस आईपी एड्रेस 216.58.203.132। अब इसके साथ अगर आपको इसके साथ प्रिंट भी करवाना है कि इसका नाम क्या है, डोमेन नेम क्या है, तो हम एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर होस्ट एड्रेस की जगह पे हम कर देंगे होस्ट नेम, और जो गेट होस्ट एड्रेस है तो एड्रेस की जगह हो जाएगा नेम। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि आपको लिखना ऐसा ही है, गेट का जी स्मॉल है, होस्ट का एच कैपिटल है और नेम का एन कैपिटल है, मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है उसका ही फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल में आएंगे और इनमें कोई स्पेस नहीं है। सेम होस्ट एड्रेस में गेट का जी स्मॉल है, एच कैपिटल है और ए कैपिटल है। इसको रन करते हैं तो देखिए होस्ट नेम www.google.com, उसका ये आईपी एड्रेस है। तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली google.com डाल दिया है तो मैं यहाँ पर IO का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। लेकिन आप अगर यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं रन टाइम कि आप भाई एंटर करो आपकी URL और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देने, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम आईनेट एड्रेस क्लास का यूज़ कर सकते हैं, और ये जो नोट है इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कोड के साथ विथ आउटपुट, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछा जाता है, 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है अपनी एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और हर रोज़ इसके 2 वीडियोज़ आने वाले हैं एडवांस सेवा के, और एक वीडियो आने वाला है PHP और लारवेल के ऊपर। So don't forget to like, share and subscribe this video, and happy coding. Thank you.